हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तहसील क्षेत्र परासिया, जहां परासिया में हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाते जो काकर समाज से ताल्लुक़ रखते। काकर समाज हर जगह है मगर यहां इनकी एक अलग पहचान है। इन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में रहकर 3 बार चुनाव लड़ा, अपना क्षेत्र छोड़कर आए और यहां एकता की एक मिसाल कायम किए और यहां के लोगों से जो काम सरकार से दिलवाया इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिनका नाम है शब्बीर नेता। शब्बीर नेता से के नाम से काकर समाज में एक अलग पहचान है। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। सर बताइए, आपका नाम बहुत सुना एकता समाचार के माध्यम से, आज हम आपके क्षेत्र में आए हैं, तो बताइए आपके कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, नाम तो अल्लाह जिसको नवाज दे, इज्जत और जज्जत का देने वाला वही है। मेरे साथ में गरीब और हिंदू मुसलमान सब भाई जुड़े हुए थे। जब रैली निकालता था मैं तो परासा में एक मिसाल रहती थी कि आज शब्बीर भाई ने एक रैली निकाले, फलाना घेराव किए। मैं यहाँ से 3 बार 2 बार चुनाव में लड़ा हूँ, 1 बार मेरे घर वाली लड़ी है, वो भी जीती, कामयाब मिली, मैं भी जीता हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। और कमलनाथ जी के सहयोग से मुझे टिकट मिलती थी, कमलनाथ जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो कई लोग विरोध करते थे, उसके बाद वो कहते थे शब्बीर ही लड़ेगा वहाँ से, तो सबसे पहले मेरी घरवाली जीती, उसके बाद मैं जीता। और आपकी दुआ से मतलब यहाँ पे बहुत कुछ विकास हो, यहाँ ये नहीं मालूम, चुनाव में जब आदमी काम करता है तो ये नहीं लगता ये कौन सी जाति का है, सब मिलजुल के बिल्कुल ऐसा मेले जैसे लगे रहता हमारे यहाँ पर, और सबकी आस लगे रहती है। सर, आप एक काकर समाज से ताल्लुक रखते हैं और काकर समाज के यहाँ कितने मकान है, कितने लोग यहाँ? काकर समाज के यहाँ कम से कम 100 मकान हैं और सब धंधा व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, संपर्क है अपना, बहुत से लोगों की मार्केट में दुकानें हैं, पलंग और पेटियों का कारोबार भी है। और मैं जो हूँ काकर समाज से बड़वा जिला खरगोन का रहने वाला था, 45 साल से ही आ गया है और यही मतलब अपने एक राजनीति छोटा सा राजनीति जीवन शुरू किए। और हमको ऐसा नेता मिला है कमलनाथ जी, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमको राजनीति सिखाई है। सर, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमलनाथ जी ने काफ़ी विकास किए, पूरे हिंदुस्तान में उनका एक नाम है, मध्य प्रदेश के नाम से अगर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जाना जाता है, कमलनाथ जाना जाता है, तो बताइए कमलनाथ जी के जीवन के बारे में बताइए, क्या कहना चाहोगे? कमलनाथ जी का जीवन तो बहुत ही अच्छा रहा है, वो कलकत्ता के निवासी थे, पहले छिंदवाड़ा में उनके पिताजी रह चुके हैं, उसका कारोबार उनका बाहर भी है, उनके ऊपर आज तक एक लाल पैसे का दाग नहीं है, कोई भट्टाचार में किसी चीज़ में या 420 में कोई। कमलनाथ जी मतलब सबको खुश रखते हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरा बेटा माना था कि कमलनाथ मेरा तीसरा बेटा है। परासे में आए जब से उनके साथ में हम जुड़े हुए हुए और झंडा लेके चला हूँ मैं। मेरे को बचपन से शौक था कांग्रेस में साथ में रहने का और काकर समाज के यहाँ जितने भी लोग हैं सबका सहयोग मिलता रहा समय समय पर। और मल्ल के और हिंदू भाई के भी 1600, आज की पोजीशन में 1800 वोटर हैं। अभी 2023 में चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में यहाँ से काफ़ी जीत हासिल, कमलनाथ जी का क्षेत्र है ये छिंदवाड़ा, तो बताइए यहाँ कितने सीटें आई? 7 सीट आई साहब, अमरवाड़ा वगैरह, परासिया, दमुआ, ये 7 सीट कमलनाथ जी के नाम से ही चुनाव जीता गया, कमलनाथ जी का ही परचम लहराया गया। और कमलनाथ जी तो यहाँ बहुत कम आए, परासा में भी नहीं आए, ना जिला छिंदवाड़ा में आए कि मैं चला और यहाँ के नौजवान और बुजुर्गों के कांधे पे ये जवाबदारी है, ये बोलकर चले गए थे वो। आप आगे की कड़ी में हम इनके पुत्र से भी आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो इनके कंधे से कंधा लगाकर मम्मी पापा के साथ रहे, चुनाव में सहयोग दिया, जो जिनका नाम मोहम्मद हुसैन साहब है। मोहम्मद शरीफ साहब जी, बताइए आप जो है पापा मम्मी के साथ चुनाव जीते, वो मेहनत करे सबने, वार्ड वासियों ने भी करे, अपने वाले ने भी करे, गैर मुस्लिमों ने भी करे, हिंदू भाइयों ने भी करे, सबने मदद करे और विकास भी हुआ, रोड बनी है, नाली बनी है, सबके घर में नल भी लगे हैं और किसी की मुसीबत परेशानी आती है हम लोग सब उनकी मदद करते,
और रही बात कमलनाथ जी की, सातों विधानसभा जीते छिंदवाड़ा जिले में, सातों विधानसभा जीते हैं कमलनाथ जी, स्वयं जीते। यहाँ कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने आता नहीं है, ना आएगा। बीजेपी के आए, पूरा हिंदुस्तान हाँ, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन यहाँ कमलनाथ जी के अलावा कोई नहीं आए। एक बार आए, बाकी जनता जी लड़ती है चुनाव यहाँ का बीजेपी से। बिल्कुल, ये थे हमारे काकर समाज के शब्बीर नेता के नाम से जाने जाते हैं, छिंदवाड़ा जिले के तहसील क्षेत्र परासिया में। सर, आप काकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके काकर समाज राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हर जगह आपके काकर समाज के, तो काकर समाज के बारे में बताइए, काकर समाज के बारे में आपका क्या विचार है, कैसा है? काकर समाज शुरू से गरीब तबके का रहा है, लेकिन मेहनत मशक्कत कर रहा है, कोई मतलब कोई चोरी चमारी में नहीं रहा है। काकर समाज बहुत ही जागरूक, और आज के हिसाब से तो आप देख रहे हैं यहाँ भी मदरसा है, मस्जिद है, बाकायदे मतलब तरक्की हो रही है। काकर समाज ने अच्छा काम किया है। सर, पहले काकर समाज जो है फेरी का कार्य करता था हर जगह, जैसे इनका फेरी का, बर्तनों का व्यापार कहो, रस्सी का व्यापार कहो, ये था। मगर आज जो एजुकेशन में भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, ये कहेंगे अच्छी बात है, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। 20 साल पहले कोई पढ़ाई नहीं थी, जो आज पढ़ाई हो रही। हमारे यहाँ पे चारों लड़का और लड़की 12वीं क्लास में गए हैं, नाती पोती। ये मोहम्मद भाई के यहाँ के दो बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं, बच्ची भी 12वीं पढ़ रही है, दोनों लड़के 12वीं, एक लड़के का भी माइनिंग सरदार में सर्विस चल रही है, मतलब उसकी भी भागदौड़ चल रही है, और भी लोग मोहल्ले में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। सर, दीनी दुनिया दोनों में आज आगे है। आज हमारे आपके काकर समाज के अंदर कहीं आलिम भी बने हैं, उलमा भी बने हैं, और बहनें जो आलिमा भी बनी है, तो बताइए इसके बारे में। जी हाँ, यहाँ परासिया से भी 4-5 लड़के हाफिज बन चुके हैं, वो आलिम के लिए आलिमा भी लड़की लोग जाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर चानामेटा माँ आलिमा की भी कोर्स कर रही है बच्ची लोग, और लड़के लोग भी अभी आपके धार, मध्य प्रदेश के धार में जा रहे हैं 15-20 लड़के हाफिज़ के लिए, मौलाना के लिए। आज हमने आपको इसी हस्ती से रूबरू करवाया जो काकर समाज में एक बहुत बड़ा नाम कमाए अपने क्षेत्र छोड़कर, यहाँ परासिया में जो शब्बीर नेता के नाम से जाने जाते हैं। आगे कड़ी में हम आपको फिर लेके चलेंगे एकता समाचार के माध्यम से। धन्यवाद।